मैं एक मस्जिद में गया, इमाम साहब ने मुझे कहा नमाज पढ़ाओ, मैंने कहा नहीं पढ़ा सकता। कहने क्यों? मैंने कहा ये तो मस्जिद नहीं है, क्लब है। मस्जिद में तो सब लोग अदब से बैठे होते हैं, यहां तो मुसल्ले के दाएं और बाएं नंगे सर बैठे हुए, मुझे इनसे लड़वाने के लिए आगे करा रहे। लोगों ने एक दूसरे को कहा तो कोई खतरनाक मौलवी आ गया, एक दूसरे से रुमाल टोपियां लेके कहते हजरत हमने तो पगड़ी टोपियां रख ली, अब तो आप आ जाए। सिर्फ यो खबर हो टोल खल को टोपी बसर के फौर ऐसे जीब मुला रहा गले मैं मती नहीं की मैं ना ददा से खल को मुस्कोल नाजान शर बोल ली। एहानत भी दीन है, खुदा की कसम लोगों में कोई कसूर नहीं, लोग सीखने आते हैं, सिखाने वाले नहीं। काश की इमामत का कोई मैयार होता और इसका कोई पूछने वाला होता कि ये इमाम किस ढब की इमामत कर रहा है, किस मजहब की इमामत है। वो एक लतीफा है ना, कहते हैं कि इमाम ने नमाज पढ़ा ली, नमाज में कोई गलती हो गई तो आधे नमाजियों ने कहा कि हो गई नमाज, आधों ने कहा कि नहीं हुई। तो इमाम साहब ने मुसल्ले से आवाज दी कि जल्दी फैसला करो कि हुई या नहीं, अगर हुई है तो मैं चला जाऊं और अगर नहीं हुई तो दोबारा पढ़ाओ। कितना बड़ा आलिम था मुसल्ले पे जो आवाम से फैसला करवा रहा है। कल्बुल मौजू नादीदनी के दीद से होता है खून दिल, और बेदस्त पा को दीदे बीना न चाहिए। कौन से कह रहे हैं?